देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हमारे पद्म। मैं हूं रुचि अनिरुद्ध। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे लोगों से जो बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन अपने असाधारण कार्यों की वजह से पद्म सम्मान से सम्मानित होते हैं। जो लोग सादगी, सरलता, सहजता और समाज सेवा की मिसाल हैं, और ऐसे लोगों की कहानी हर देशवासी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि उनसे प्रेरित होकर हम सब मिलकर एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सके। तो इसी कड़ी में आज आपको लिए चलती हूं अयोध्या, मोहम्मद शरीफ के घर। अयोध्या में रहने वाले एक बुजुर्ग मोहम्मद शरीफ यानी शरीफ चचा को करीब 3 दशकों की उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और ये सेवा है ऐसे लोगों को सम्मानजनक विदाई देना जिनकी मृत्यु के बाद उन्हें पूछने वाला, उनका अंतिम संस्कार करने वाला, उनके शव को कंधा देने वाला कोई नहीं होता। यहां सरयू है, यहां राम है, यहां राम रसिक भी है, ये अयोध्या धाम है। ये नगरी है राम लला की, और इसी अयोध्या नगरी की एक सकरी गली आपको लेकर पहुंचती है शरीफ चचा के घर। घर के एक छोटे से कमरे में रहते हैं पद्मश्री मोहम्मद शरीफ, जिन्हें प्यार से शहर के लोग शरीफ चचा कहकर बुलाते हैं। 85 साल के मोहम्मद शरीफ को जिस कार्य के लिए पद्म सम्मान से नवाजा गया है, उसके बारे में जानकर आपको हैरानी हो सकती है। आप सोचेंगे कि कोई ये काम क्यों और कैसे कर सकता है। दरअसल शरीफ चचा अयोध्या फैजाबाद में पिछले बहुत सालों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं। उनके जीवन का मकसद ही यही रहा है कि अयोध्या फैजाबाद में हर शव को सम्मानजनक विदाई मिले, चाहे वो शव किसी भी धर्म के व्यक्ति का क्यों ना हो। और शरीफ चचा के इस निस्वार्थ काम के पीछे जो वजह है वो बेहद दर्दनाक है। उनके अपने बेटे के शव का लावारिस के तौर पर अंतिम संस्कार होना। मोहम्मद शरीफ उस वक्त के फैजाबाद में साइकिल मरम्मत की छोटी सी दुकान चलाते थे, जैसे तैसे घर की गुजर बसर होती थी। परिवार बहुत बड़ा था। मोहम्मद शरीफ के 4 बेटे और 3 बेटियां थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि अचानक एक दिन उनके बेटे मोहम्मद रईस किसी काम से सुल्तानपुर गए। चचा बताते हैं कि रईस को अज्ञात लोगों ने मार डाला और उनका शव लावारिस हाल में मिला। पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन सुराग न मिलने पर शरीफ चचा के बेटे रईस के शव का अंतिम संस्कार यूं ही कर दिया गया। यहाँ शरीफ चचा और उनका पूरा परिवार रईस के ना मिलने से बहुत बेचैन था। एक मजबूर पिता की आंखें अपने बेटे के आने की राह देख देख कर पथरा चुकी थी। भाई थाने दर थाने उसकी तलाश में घूम रहे थे। फिर एक दिन अचानक एक पुलिसकर्मी ने शरीफ चचा के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में एक कमीज थी जिस पर एक टेलर का लेबल लगा था, और उसी लेबल के जरिए ये पुलिस वाला मोहम्मद शरीफ के घर पहुंचा था। ये कमीज मोहम्मद शरीफ के बेटे रईस की थी, जिसे देखते ही वो पहचान गए और पुलिसकर्मी के आगे के शब्दों ने मोहम्मद शरीफ के घर में भूचाल ला दिया।
अपने बेटे की मृत्यु की सूचना पर मोहम्मद शरीफ खड़े ना रह सके और ये जानने के बाद कि उनके बेटे का अंतिम संस्कार लावारिस लाश के रूप में हुआ है, शरीफ पूरी तरह से टूट गए और उसी वक्त उन्होंने एक फैसला किया। अब से अयोध्या फैजाबाद में कोई लाश लावारिस नहीं रहेगी, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की। नमस्ते शरीफ चाचा। नमस्ते। हाँ, नमस्ते सर। कैसी तबीयत है अब आपकी? तबीयत ठीक है बेटिया, पहले से बहुत ठीक है। हमें कब सुनाई भी देता है, बाप करिए जब सके, और दवा इलाज बहुत कायदे से हो रहा, तो बच गए नहीं तो उड़ जाते माल। एक बात बताइए, अभी पद्मश्री मिला आपको हाल ही में, आपकी जिंदगी कुछ बदली उसके बाद? देखिए, हमें परमिशन मिले, चाहे जो कुछ मिले, हमें जो काम करना है वो कर रहे हैं और दिल से करें, मोहब्बत से करें। मान लीजिए कोई हिंदू है ना मुसलमान, सब इंसान है। हालांकि शरीफ चचा के लिए ये फैसला और ये काम आसान नहीं था, ना तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ना ही उनके पास बहुत लोगों का समर्थन या सुविधाएं थी। एक बात बताइए, कितने साल अब हो गए आपको ये समाज सेवा करते हुए, ये लावारिस शवों का? कितने साल हो गए आपको? 28 साल हो। 28 साल पहले जब आपने काम शुरू किया, तब आप कैसे सब खर्चा निकालते थे? तो पैसा तो हाथ पैर तांगत थी, रक्षा चला लिया और साइकिल का काम करते थे, शाम तक 200 रुपए का काम कर लिया। सबसे अच्छे कारीगर हैं, अभी तक तक करते हैं, थोड़ा थोड़ा बीमार हो गए, फुटपट्टी में दुकान काम करने में लगाते थे, 400-500 रुपए का काम होता था। आप अपनी जेब से सारा ही खर्च करते हैं? हाँ, अब जैसे हम अपने पास से खर्चा करते, जैसे सब हमें जानते हैं, आप जानते भी ना भैया, सर मट्टी आई है, आप जानने की बाबा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। अब मकान देखे, अभी किराए का है। क्यों कर रहे हैं आप ये काम इतने साल से? ये हमारा एक लड़का था, भदर से गया था सुल्तानपुर, और वो गया, उसे कोई मार के बोरे में भर के फेंक दी। हम ढूंढते रह गए, हमारे भैया कहाँ चले गए, भैया कहाँ चले गए। तो 3 रोज के बाद पुलिस कपड़ा लेके आए, पीरू टेलर समूह मार्केट का, ये पहचानते हो? तो कहें हाँ, हम सब जान गए फैजाबाद में जान। तो हमें बुलाए तो कहें भैया ये, तो कहें बाबा किसी को नहीं मार के बोरे में फेंक दी ये कपड़ा। तो गए सुल्तानपुर तो देखा वही कपड़ा, हमारे भैया ही गए सब। तो मैंने कसम खा ली कि फैजाबाद के अंदर ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, सब इंसान है, हम अपनी जिंदगी में किसी को लावारिस। और इतने सालों से आप अपनी जेब से सारा पैसा खुद खर्च करके कर रहे हैं? पैसा हम ही करते हैं। अब भैया हमें कैसे बेटा, अब हमें मान दिया मट्टी लो बाबा, मट्टी को कायदे से दफन करना है, जलाना है, चाहे जैसे परेशानी हो। किसी ने आपको कभी इस काम करने से रोका नहीं? नहीं रोका नहीं, ये नहीं कहा ना करो, ताना वानी है कि कर रहा है, पैसा पा रहा है बस, ये कर रहा है, ये नहीं रोका कि हम करेंगे रुक जाओ, ये कहेंगे। कोविड में तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जब जो लावारिस भी नहीं थे, जिनके परिवार थे लेकिन कोई अंतिम संस्कार करने वाला नहीं था, कोविड में भी आपने बहुत काम किया? जैसे किसी परिवार की लाश को फेंक दिया गया, 4 रोज के बाद मिली, भैया हमसे ना होगा फेंक फाक दो, तो उसे हम गले लगा के फिर वैसे कायदे से करते, छूते नहीं अपने घर की लाश को। हर दिन हर पल बनती खबरें
बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कभी इतने सालों में, 28 सालों में आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं अब ये काम बंद कर देता हूँ, मैं क्यों करूँ, हो गया जितना करना था? सब बंद करने में हमारा दिल जो है, वो हिम्मत जो है, वो अंदर से आत्मा जो है वो ठीक हो गई ना। आत्मा कहती नहीं है ना करो, अब बीमारी की हालत में करेंगे। हमने सोचा जब तक हमारे दम में दम है किसी के लास्ट। अब जैसे जब आपने 28 साल पहले काम शुरू किया, तो अब जैसे किसी हिंदू का अंतिम संस्कार करना है आपको, तो कैसे आपने वो सब कर्मकांड सीखा, समझा कि क्या करना है, कैसे करना है? वैसा सब पता है ना, जैसे कि हिंदू की मट्टी आई थी कल दो, तो वहाँ एक रक्षा हमने कसा लिया, एक रक्षा वाला है, उसने फ़ोन किया, कपड़ा रखा, लपेट दिया, और वहाँ घाट के ऊपर घाट अलग बनवा दिया है, तो वो ले गया पीछे से, वो लड़के को फ़ोन कर दिया, साथ में चला गया, वो वहाँ जला दी, कोई जेने नहीं, कोई घर सीट होगा, यहाँ से रक्षा वाला ले गया और चिता पर रख देगा और जला दो लकड़ी से 3 घंटे। यह है कि पैसा दे दो, दे देते। अब यह है जानते हैं सभी भाई का पैसा आप उधार भी हो जाए, कुछ चाहे जहाँ से ला के दे, लोग को खुश रखते हैं। अब रक्षे वाले को है खुश रखते हैं, अब रक्षे वाला कर करा कर है तो दोस्त 1,000 रुपया दिया, 500 रुपया दिया, फिर अब रात की कहीं गाड़ी लड़के लाश पड़ी है, आए सरे भाई क्या करें, तो अपने रक्षे वाले को रात के फ़ोन करते हैं, लाश सब रक्षा लेके आता है, सब लाश से ला के पोस्टमार्टम ऑफिस में रखता है कि सुबह इसका पोस्ट। ये सारा काम आप देखते हैं रात रात में भी, आप ये सारा काम देखते हैं? रात की गाड़ी वाली लड़ गई, ट्रेन की लड़ी हुई आ गई, तो फ़ोन करते हैं, तो कपड़ा यहाँ से दे देते हैं, तो फिर वहाँ रक्षा वाले फोन करते हैं, तो आता ले जाता। तो आप ये सारा जो अंतिम संस्कार है ये अयोध्या फैजाबाद में ही करते हैं इतने सालों से? जो यहाँ पोस्टमार्टम होता दिल्ली में आता है पोस्टमार्टम में, वो हम करेंगे। तो आपको कैसे पता चलता है कहीं पर कोई लावारिस शव है? वो फूड आता है, बोर्ड लगा दिया, लिख के दिया है जी लावारिस लाशा है, हमें बताओ, बगैर हमें फेंकेगा ना कहीं। जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ लिख के दिया है, वहाँ कि हमारे लाश को फेंकिएगा ना, और फिर डीएम का पास है कि भाई इसकी लाश फेंकिएगा ना। आपके घर के लोग, आपके बच्चों ने कभी मना नहीं किया, क्यों कर रहे हो सब? बच्चे अच्छे सब पता चलता है, भी कहते कहा कि करना है हमारे बात, करेंगे ये लोग? हाँ करने को तैयार है सब बच्चे, एक पोता है, 2 लड़के हैं, करेंगे तो यहाँ से भी फल पाएंगे, यहाँ से भी फल पाएंगे। जैसे आप घूम गएंगी, जैसे फैजाबाद में लावारिसों का इंतजाम है, ऐसा कहीं नहीं, जहाँ जाइएगा जाओ फेंक फाँक देते, जहाँ चैलेंज है कि किसी की लाश फेंकी ना जाए, ना हिंदू है ना मुसलमान, सब है सब। 28 बरस से कोई लाश देखते में नहीं फेंकी गई, वैसे अपने सारे दर्द चुपचाप फेंक दी, तो सब क्या करें। कभी आपने सोचा था कि यहाँ एक छोटी सी जगह में आप इतना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका इतना नाम होगा कि पद्मश्री के लिए आपको बुलाया जाएगा? ये उसका कर्म है बेटा, सही पाता है तो आपको भेजा है, तो आपको भरोसा है कि कहाँ चल रहे हैं, उसी के पता है कहाँ है, सब उसी के पर है, उसी ने कहा कि दिल में क्या जाओ। हाँ आज शरीफ चाचा जब पीछे मुड़ के देखते हैं, आज इतना सम्मान भी मिल गया, काम को पहचान मिल गई, अब पीछे मुड़ के अपनी जिंदगी देखते हैं, तो क्या खुशी होती है, अच्छा लगता है कि मैंने जो किया अच्छा काम किया? देख लिया आप लोग, बिटिया मिल गई, हमारी जान आ गई, हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई, हम मिल गई, बस यही यही सम्मान है, मोहब्बत यही है कि बिटिया आई थी हमें मिल गई, खुशी होगी, और कुछ नहीं, मोहब्बत अब बिटिया से भैया से, अब आज बिटिया आई खुश होगी, लेटेंगे सोचेंगे आज बिटिया आई, आज बिटिया। कमियों और लोगों की बातों की परवाह किए बगैर चचा जिस जुनून के साथ अपने काम में लगे रहे, उसकी वजह से आज हर अयोध्यावासी शरीफ चचा का बहुत सम्मान करता है। मोहम्मद शरीफ, जिनको हम सभी लोग शरीफ चचा के नाम से जानते हैं, उनके जैसा इंसान ना पहले कभी हुआ है ना आज होगा। उनके साथ जो दुख का पहाड़ टूटा, उनका पुत्र नहीं रहा, उसके बाद उन्होंने जाति धर्म हर चीज़ से ऊपर उठ के हर लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है, वो अद्वितीय है। भारत सरकार ने उन्हें जो पद्मश्री से नवाजा है, ये उनके
ये बहुत ही आवश्यक था। और किसी भी दुकान पे शरीफ चाचा चले आते थे कफन के लिए, कपड़े की दुकान पे या कहीं, किसी ने उनको इनकार नहीं किया। और अपने लिए उन्होंने एक नए पैसे का किसी से भी कोई फ़ायदा नहीं लिया, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यह हमारा सौभाग्य है कि शरीफ चाचा हमारे मोहल्ले के रहने वाले हैं, और यह हम लोग फैजाबाद का सौभाग्य है कि उनके ऐसे फरिश्ता आदमी ने अयोध्या की सरजमी पे जो है जन्म लिया और निस्वार्थ रूप से मानवता की सेवा करते चले आ रहे हैं। उन्होंने अपने काम में कभी नहीं देखा कि क्या हिंदू है, क्या मुस्लिम है, क्या सिख है, क्या ईसाई है, निस्वार्थ भाव से वो काम करते रहे। हालांकि पेशे से वो एक साइकिल मिस्त्री थे, लेकिन उनका जो चरित्र था वो अनुकरणीय इसलिए है कि उन्होंने सीमित साधनों के रहते हुए भी अपनी जेब को ना देखते हुए, अपने परिवार को ना देखते हुए, अपने समाज को ना देखते हुए जो है इस कार्य को किया, और उस कार्य को आज तक वो करते चले आ रहे हैं। इस काम में उनको बहुत सारी दुश्वारियाँ भी आती थी, अक्सर वो हम लोग से जिक्र भी किया करते थे जो उनके शुभचिंतक लोग होते थे। बिरादरी में लोग तरह तरह के ताने देते थे, समाज में लोग ताने देते थे, लेकिन इस बात का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपनी धुन के पक्के आदमी थे और हैं, और ईश्वर करे उनको भगवान शक्ति दे कि वो हम लोगों का रास्ता जो है आगे हम लोग को दिखाते रहें, और फैजाबाद की जो सेवा की उन्होंने उसको कभी कोई भुलाया नहीं जा सकता है। आगे आने वाले समय में अब उनके बच्चे भी बड़े हो गए, उसी राह पे चलना, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है, और ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है कि जो है फैजाबाद में उन्होंने उनकी जिम्मेदारी संभाल ली, अदरवाइज़ कोई संभालने वाला नहीं था। बाकी पूरे शहर का सहयोग उनके साथ रहता है, उनकी बात को कोई आदमी टाल नहीं सकता, और जो वो चाहते हैं उसी हिसाब से उस राह में लोग चल पड़ते हैं। अयोध्या प्रशासन ने भी शरीफ चचा को इस काम में हर संभव सहायता दी। यदि अयोध्या फैजाबाद में कोई लावारिस लाश मिलती तो सबके पास एक ही नंबर होता, मोहम्मद शरीफ का। शरीफ चचा द्वारा जो कार्य किया गया है ये वाकई गौरवपूर्ण कार्य है, और उनके द्वारा यहाँ लावारिस लाशों को देखना, सड़ी गली लाशें मिलना, इसके बावजूद स्वयं मौजूद रहना, मौजूद रहकर उनके लिए कफन की व्यवस्था करना और उनके लिए लकड़ी और खुदाई की व्यवस्था करना, एक हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं, और इस पे हम लोगों को और यहाँ की क्षेत्र की जनता को गर्व महसूस होता है शरीफ चचा के ऊपर। लेकिन अब एक बहुत अहम सवाल ये भी है कि जिस कार्य को शरीफ चचा इतनी शिद्दत से करते आ रहे हैं, उनके बाद इस नेक काम को आगे कौन बढ़ाएगा। अब जैसे आपकी तबीयत खराब रहती है, आप कई बार नहीं जा पाते हैं, हालांकि अभी मुझे आपके परिवार वाले बता रहे थे कि अभी भी आप चले जाते हैं बीच बीच में शमशान घाट या कब्रिस्तान, आपको ये लगता है कि मेरे बाद ये काम कैसे होगा? ज्यादा बाबा ने पोते कर रहे हैं, दो लड़के कर रहे हैं, कि उसको जरा सा मालिक की तरफ से उसको जोश आया कि हमारे बाप का इतना नाम इसको ना फेंका जाए। अभी हमें तो लोग सब कह रहे हैं कि इनके जो हम बीमार है तो हम कर दें, हमारा नाम हो जाएगा। तो लोग जाते ही जाता है पोस्टमार्टम ऑफिस पता करने कि हक्का इलाज है क्या है, और फोन नंबर है फोन फोन कर देते, क्योंकि उन्हें भी फायदा है कि भाई पुलिस वाले कपड़ा पड़ा कौन उठा कपड़ा यहाँ बजा रखा है 3 मीटर और ले जाएगा और लपेट के हमें दे देंगे कपड़ा, चौसरी भाई कैसे ले आओ कपड़ा ले जाएंगे, या ऐसा गर्व दिया है कि बगैर हमारे पूछे वो फेंक फाँक नहीं सकते। उनके जीवन में बहुत अजीब अजीब संघर्ष, बहुत मेहनत किए, बहुत संघर्ष किए, तब आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। उनको बहुत ही परेशान हुए, शुरू में तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, साइकिल पे लाते थे, फिर ठेले पे लाते थे बॉडी को, फिर उसके बाद एक रिक्शा कसाया गया, एक आदमी रखा गया उस पे लाते थे, अभी भी रिक्शे ठेले पे आती है बॉडी, यहाँ पर आती है, हिंदू भाइयों की शमशान घाट जाती है, उसमें हर एक काम में उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, सब साथ देते हैं। हमारे एक शरद भैया हैं, वो हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे सरदार जी इकबाल भाई हैं वो भी खड़े रहते हैं, और रियासत भाई हैं इसी कब्रस्तान में रहते हैं वो भी हर वक्त खड़े रहते हैं, आधी रात को ज़रूरत होती है शरद भैया का कहना है, कोई ज़रूरत हो हमको बताइए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है उसमें, हर तरीके से सहयोग देते हैं सब। शरीफ चचा अब तक न जाने कितने लावारिस शवों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान से कर चुके हैं, और उनको अयोध्या में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल माना जाता है। लोग इन्हें लावारिस लाशों का मसीहा कहते हैं। आज के वक्त में एक अगर किसी संत या फकीर का नाम लिया जाए जीवित, तो वो मेरे ख्याल से शरीफ चचा ही होंगे।
आज शरीफ चचा की उम्र काफी हो चुकी है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती, पर जब उनसे पूछा जाता है कि चचा आपके बाद कौन, तो उत्तर देते हैं उनके बेटे मोहम्मद सगीर। जी, इस काम को हमारे वालिद साहब, हमारे पिताजी मोहम्मद शरीफ साहब, उसके बाद हम मोहम्मद, उनके बेटे मोहम्मद सगीर और हमारा बेटा मोहम्मद शब्बीर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप कोई संदेश देना चाहेंगे पूरे देश के लोगों को? हाँ, ये देखना चाहेंगे कि आप हिंदू मुसलमान ना करिए, हिंदू मुसलमान ना करिए, एकता करिए, एकता करिए। एक बच्चा जो आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है, गिर गया है, तो उसको आप फौरन उठाइए, ये नहीं देखिए कि हिंदू है मुसलमान, उसे फौरन उठाइए, उसे गले लगाइए और किनारे करके उसके वतन पहुँचाइए। एकता ये है कि मोहब्बत पाइए कि कहाँ पर रास्ते में हिंदू है, सब है इंसान, हम सब एक है। हमारे पद्म मोहम्मद शरीफ की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां या कमियां क्यों ना हो, लेकिन वो हमें किसी और की सेवा करने से रोक नहीं सकती। शरीफ चचा हमें ये भी सिखाते हैं कि हर धर्म, जाति, मजहब से ऊपर होती है इंसानियत।